आज हम सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इस सूत्र पर आधारित सवालों को हल करना सीखेंगे। इस सूत्र में f फोकस दूरी होती है, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है और u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। इन सवालों को हल करने से पहले कुछ इनकी चिन्ह परपाटी होती है, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे और उन नियमों को जानेंगे, क्योंकि हमें जो चिन्ह परपाटी है चिन्ह है उनका विशेष तौर से इन सवालों में ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम चिन्हों को याद नहीं रखेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें इन चिन्हों का विशेष तौर से ज्ञान होना ज़रूरी है। तो पहला जैसे है, पहला नियम इसका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ लोगे और अगर उत्तल दर्पण है तो f का मान प्लस चिन्ह के साथ लोगे। वस्तु की दूरी सदैव माइनस चिन्ह के साथ, वस्तु की दूरी से दर्पण का कोई रिलेशन नहीं होता है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। वस्तु की दूरी अर्थात u का मान, कभी भी वस्तु की दूरी आ जाए u का मान हमेशा हमें माइनस चिन्ह के साथ लेना है। अब हमें पता है कि दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो फिर प्रतिबिंब की दूरी हमें माइनस चिन्ह के साथ लेनी होगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण में बाईं ओर बनते हैं, इसलिए हमें दूरी माइनस चिन्ह के साथ लेनी होगी, अर्थात भी का मान प्रतिबिंब की दूरी। और यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो प्रतिबिंब की जो दूरियाँ बनती हैं उनके भी हम चिन्ह इस तरह से लेते हैं। मतलब प्रतिबिंब यदि वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस चिन्ह के साथ लेंगे और यदि प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। प्रतिबिंब हमने बनाए हुए हैं तो हमने देखा है कि उत्तल दर्पण के द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखेंगे प्रतिबिंब केवल आभासी ही बनता है, जबकि अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। तो हम यदि उत्तल दर्पण होता है तो सवाल में प्रतिबिंब नहीं दिया जाता है, सीधा प्रतिबिंब कह देते हैं, क्योंकि हमें पता है उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा, और अगर अवतल दर्पण है तो उसमें बताया जाएगा प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो इस तरह से हम इन सब नियमों को का ज्ञान करके, इन सब नियमों को जानकर हम सारे सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमें सवाल दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रहे हैं तो फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं, अवतल दर्पण की दे रहे हैं इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें पता है माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु जो है वो दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो वस्तु की दूरी अर्थात यू का मान, और हमें पता है जब कभी भी यू का मान अगर आ जाए तो हमें उसे माइनस चिन्ह के साथ लेना है, तो यू का मान हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी, वी का मान हमें निकालना है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, एफ़ की जगह एफ की वैल्यू रखेंगे तो एफ का मान है माइनस 40, 1/v बी का मान निकालना है, यू की जगह यू का मान रखेंगे तो माइनस 60 है। अब हमें 1/-40 यहीं रहने देंगे, 1/-60 का इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/v यही रहेगा, 40 और 60 का एलसीएम 120 लेंगे तो जब हम 40 और 60 का एलसीएम 120 लेंगे तो 40 दिया 120 तो 3 हो जाएगा, माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, 60 दूनी 120, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस का बचेगा, अपॉन में 120, तो यहाँ से भी की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर सवाल में केवल प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे थे, यदि सवाल में प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछते तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमें बताना पड़ता है प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी। तो हमें पता है यदि भी का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान माइनस चिन्ह में लेते हैं, तो भी का मान अगर माइनस चिन्ह में आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और अगर भी का मान प्लस चिन्ह के साथ आता तो हम बता सकते थे कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। एक सवाल यहाँ पर और दिया गया है, एक जे सवाल में दिया गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से कोई वस्तु कितनी दूर रख दी जाए कि उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बने। यहाँ पर हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी जा रही है 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी अर्थात एफ का मान, एफ की वैल्यू दी जा रही 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की है इसलिए हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। पूछ रहे हैं दर्पण के ध्रुव से कोई वस्तु कितनी दूर रख दें, तो हम मान लेंगे माना वस्तु x सेंटीमीटर दूर रख दी जाए, तो वस्तु की दूरी अर्थात u का मान
एक्स सेंटीमीटर है, यू का मान हमेशा माइनस चिन्ह में लेना होता है। प्रतिबिंब कह रहे हैं उसका 20 सेंटीमीटर दूर बने, तो प्रतिबिंब की दूरी अर्थात भी का मान। अब प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसका मान भी हम चिन्ह सहित लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें प्रतिबिंब नहीं दे रहे हैं कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। तो हमें पता है यदि उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान हम प्लस चिन्ह में लेते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू रखेंगे तो f की वैल्यू 30 है, v की वैल्यू 20 है, और u की वैल्यू माइनस x है, तो 1/x हो जाएगी। 1/x इस तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, 1/20 यही है, 1/30 उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। 20 और 30 का जब हम LCM लेते हैं तो LCM आ जाता है 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, तो 1/x बराबर 1/60 यानी x बराबर 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों पर मतलब 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u पर आधारित सवालों को हल कर सकते हैं। लेकिन इन सवालों को हल करने से पहले हमें चिन्ह परपाटी का अच्छी तरह से ज्ञान होना ज़रूरी है। यदि चिन्ह परपाटी हमें नहीं पता है तो इन सवालों को हम हल नहीं कर सकते हैं।